इनकम टैक्स रिफंड फेल होने के बाद रिफंड रीइश्यू का रिक्वेस्ट सबमिट किया, उसके बाद भी रिफंड फेल हुआ, तो उसका क्या रीजन हो सकता है और उसका प्रोबेबल सॉल्यूशन क्या है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये पर्सन है जिनका मैंने लॉगिन किया हुआ है, इनका रिफंड फेल हुआ था और इन्होंने वापस से रिफंड रीइश्यू का रिक्वेस्ट डाला और वापस से यहाँ पे रिफंड फेल हो गया है। ठीक है, इसका रीजन समझने के लिए पहले हम ये चेक करेंगे कि बैंक अकाउंट प्रॉपरली ऐड हुआ है कि नहीं। ठीक है, प्रोफाइल में जाएंगे, प्रोफाइल में जाने के बाद बैंक अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ है, वैलिडेटेड है, बट रिफंड रिस्ट्रिक्टेड दिखा रहा है। जब भी रिफंड रिस्ट्रिक्टेड दिखाता है तो अप टू 50 लाख तक का रिफंड जो है वो आ जाता है, बट किसी किसी केसेस में रिफंड नहीं आता, अगर 10 रुपये का भी अमाउंट होता है तो नहीं आता है। ठीक है, तो अभी इसको हटाने के लिए या फिर इसको रिजॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए, इसको रिजॉल्व करने का प्रोबेबल सॉल्यूशन ये है और इसका रीजन बेसिकली ये होता है कि मे बी आपका नेम जो है वो मिसमैच होगा आपके पैन कार्ड में और आपके बैंक के रिकॉर्ड में, या फिर आपके इनकम टैक्स के प्रोफाइल में और आपके बैंक के रिकॉर्ड्स में नेम मिसमैच होगा। अभी नेम मिसमैच कैसे हो सकता है, हो सकता है मिडल नेम का मिसमैच हो सकता है कोई स्पेलिंग का मिस्टेक हो, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे रिफंड को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। तो अभी आपको क्या करना है, बेसिकली आपको ना अपना नेम जो है उसको अपडेट करना है, या तो पैन कार्ड में या फिर बैंक में। अगर आप पैन कार्ड में अपडेट करने जाएंगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाता है, बट अगर आप बैंक में अपडेट करने जाएंगे अपने नेम को तो वहाँ पे आप जल्दी अपडेट कर पाएंगे और आपका ये जो रिस्ट्रिक्टेड रिफंड है ना ये करेक्ट हो जाएगा और आपका रिफंड जो है वो आपके बैंक में आ जाएगा। ठीक है, ये तो रहा रिस्ट्रिक्टेड रिफंड का रीज़न और उसका सॉल्यूशन। बहुत सारे केसेस में ना जो बैंक अकाउंट्स रहते हैं उनमें ना पैन लिंक नहीं होता, ठीक है, KYC कंप्लीट नहीं होता, जिसकी वजह से भी रिफंड आप रीइश्यू करेंगे फिर भी रिफंड फेल होगा। तो आपको वो भी चेक कर लेना कि बैंक में आपका KYC है या नहीं, आपका पैन जो है आपके अकाउंट से लिंक है या नहीं, ये भी सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। ठीक है, पहले ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है, अगर अपडेटेड नहीं है तो अपडेट कर लेना है, पैन लिंक नहीं है तो पैन लिंक कर लेना है, KYC नहीं हुआ है तो KYC कंप्लीट कर लेना है। सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद वापस से आपको रिफंड रीइश्यू का रिक्वेस्ट डालना है। कैसे डालना है, वापस आपको सर्विसेज में जाना है लॉगिन करने के बाद और यहाँ पे रिफंड रीइश्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से पहले ही हमने सबमिट किया हुआ था बट वापस से हम रिफंड रीइश्यू का रिक्वेस्ट वापस सबमिट करेंगे, क्लिक करेंगे इस पर। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा जो जिस ईयर का रिफंड इशू करना है वो ईयर यहाँ पे आ जाता है, आपको सीधा एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। पहले एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, मतलब इनेबल हो जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे जो बैंक ऑलरेडी एडेड है वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, अगर आप चाहें आपने जो करेक्शन कर दिए हैं सारे बैंक में तो आप बैंक को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बैंक को सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। बट आपने करेक्शन नहीं किया है, हो सकता है आपने नया अकाउंट ओपन करवा लिया हो या फिर आपके पास पहले से कोई अकाउंट है, ठीक है, जो लिंक है और प्रॉपर नेम वगैरह सब कुछ सही है, तो आप ऐड बैंक अकाउंट पे भी क्लिक करके उस बैंक को ऐड कर सकते हैं। ऐड पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट नंबर को कन्फर्म करना है, अकाउंट टाइप सेलेक्ट करना है, सेविंग है या फिर करंट अकाउंट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अकाउंट होल्डर टाइप सेलेक्ट करना है, प्राइमरी है या जॉइंट है, उसके बाद IFSC कोड डालना है। जैसे IFSC कोड डालेंगे सारे बैंक के डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद नॉमिनेट करना है बैंक को रिफंड के लिए, ठीक है, और उसको यस करना है और वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे वो बैंक आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, उस बैंक को सिलेक्ट करना है और प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। ठीक है, दो चीज़ें कर सकते हैं, पहला या तो पहले ही बैंक को आप सेलेक्ट कीजिए, जो पहला वाला बैंक ऑलरेडी एडेड है उसको सेलेक्ट कीजिए, बट जो भी मैंने करेक्शंस बताया वो पहले करवा लीजिए बैंक में, उसके बाद सेलेक्ट कीजिए, या फिर आप नया बैंक ऐड कर सकते हैं करके प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आधार OTP आपको सेलेक्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके जनरेट आधार OTP करना है, OTP एंटर करना है और उसके बाद वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका रिफंड रीइश्यू का रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा एंड आपका रिफंड जो है वो जल्दी से जल्दी आपके बैंक के अकाउंट में आ जाएगा। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या था और इसका सॉल्यूशन क्या था। आप हमें अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, जो भी नई नई न्यूज़ वगैरह आती हैं, टेम्पलेट्स वगैरह आते हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड, GST वगैरह से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम डालते रहते हैं अपने अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी। ठीक है, तो उसके लिंक आपको अदर मीडिया सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उसके लिंक्स जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाके वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।